नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने वृद्ध रोजगार मेला और युवा सम्मेलन मेले का उद्घाटन किया और मिशन रोजगार के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही छात्र छात्राओं को टैबलेट भी बांटे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। कृषि विज्ञान केंद्र सुल्तानपुर के लिए भी धनराशि जो दी गई थी उसका भी लोकार्पण का कार्य संपन्न हुआ है और कुछ कृषि स्नातकों के लिए बनने वाले छात्रावासों के लिए भी और आज शिलान्यास हुआ है। इस विश्वविद्यालय का अपना एक 35 करोड़ की लागत का स्टेडियम, एक यहां पे ऑडिटोरियम बन सके, ऑडिटोरियम के लिए भी अगर अगली बार आपको आने का अवसर प्राप्त होगा तो बरसात हो या तूफान आपके कार्य में कोई व्यवधान नहीं होगा, तब आप ऑडिटोरियम में बैठ करके आराम से अपना कार्यक्रम कर पाएंगे। इस प्रकार का एक ऑडिटोरियम यहां बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों का भी शिलान्यास हो रहा है। इंटरनेशनल हॉस्टल के लिए भी, अन्य हॉस्टल के निर्माण के लिए भी यहां धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम विश्वविद्यालय को आज के युवाओं की आकांक्षा के अनुरूप सक्षम बना सकें, उन सपनों को साकार करने वाला बना सकें, इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, विभिन्न कंपनियां, लगभग 100 कंपनियां आई हैं, जिन लोगों ने अपने स्टॉल विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग सभागार में लगाए हैं और यहां बाहर भी लगाए हैं। वहां पर युवा जाएगा, अपनी रुचि और अपने अनुसार कार्य देखेगा, उसका इंटरव्यू होगा, उसके बाद उसे नियुक्ति पत्र जारी होकर के एक दिन उसे कंपनी बुलाएगी और फिर अपने यहां प्लेसमेंट देगी, एक पैकेज देगी। युवाओं के लिए एक अवसर होता है कि वह अपने ज्ञान को बेहतर तरीके से जमीनी धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर उन्हें इंप्लीमेंट कर सके। इसके लिए वो जॉब करता है, इसके लिए उसको तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति में अपने आप को सक्षम पाता है और इसलिए सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है। आज सरकार के लिए कदमों का परिणाम है। जब सरकार सकारात्मक होती है, आपकी भावनाओं को समझने वाली होती है, तो बहनों और भाइयों, नौकरी की कमी नहीं होती है। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रावण मास में दूसरी बार काशी के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान न पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया, बल्कि साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की आपराधिक सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाए। वहीं राजस्थान में हुई हिंसा को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि राजस्थान के उदयपुर में दो स्कूली बच्चों के आपसी झगड़े के कारण वहां हुई हिंसा को रोक पाने में विफल राज्य सरकार ने कथित आरोपी बच्चे का मकान बताकर उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जो कानून का राज नहीं लगता है, जिसका माननीय कोर्ट को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। साथियों ने अपने पोस्ट में लिखा कि भाजपा शासित राज्यों में भी खराब कानून व्यवस्था पर पर्दा डालने और उस पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए जो राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाइयां की जा रही हैं, वो अनुचित है। सरकार कानून का निष्पक्षता से पालन करे और उसका रखवाला बनकर कार्य करे तो बेहतर होगा। और चलिए बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बस और मैक्स गाड़ी में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि सभी घायलों को
अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर के सलीमपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां ये भीषण हादसा हुआ है, 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दरअसल बस और मैक्स में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, किस तरह से जो बस है उसके आगे वाले हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और सलीमपुर थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, ये बड़ी खबर। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव भटनागर हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, किसकी लापरवाही इसके पीछे और फिलहाल क्या कुछ अपडेट? आपको बता दूं, एक दुखद हादसा हुआ है। ये बुलंदशहर का थाना सदरपुर पड़ता है जहां पर बस और मैक्स गाड़ी आमने सामने टकरा गई, जिसमें लगभग 33 यात्री सवार थे और उसमें जो 10 लोग हैं उनकी मौत हो गई है। और जो जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ वहां पर हाहाकार मच गया। आसपास के ग्रामीण लोगों ने उन्हें जो गंभीर हालत थे उन्हें अस्पताल में पहुंचाया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं बात की जाए तो अधिकारियों को जैसी सूचना मिली, अधिकारी भी जिलाधिकारी और SSP भी मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लगभग 10 लोगों की मौत हो गई है और 27 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जी बिल्कुल संजीव, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, 10 लोगों की जान चली गई, कई लोग अभी भी घायल हैं, फिलहाल घटनास्थल पर किस तरीके के हालात हैं और क्या शासन प्रशासन की ओर से भी कोई बड़ा चारा वहां पर पहुंचा है? जी मैं आपको बता दूं, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो आसपास गांव था और वहां पर जो ग्रामीण थे तुरंत एक्सीडेंट होने के बाद वो मौके पर पहुंचे। और ये जो बस है प्राइवेट बस है और ये मैक्स गाजियाबाद से एक प्राइवेट कंपनी है और उसमें लोग सवार होकर अलीगढ़ और दिवाई जा रहे थे रक्षाबंधन त्योहार के लिए। और जो दिवाई की तरफ से बस आ रही थी वो गाजियाबाद फंस जा रही थी और तेज रफ्तार जो बस है वो मैच से टकरा गई और तभी ये दुर्घटना हुई है। हालांकि जो आसपास के ग्रामीण है वह वापिस से टो गए और सड़क पर जाम लगा दिया। कुछ देर बाद भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और कब्जा दिलाकर जाम करवाया। अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है और जो अधिकारी है वो अस्पताल पर डेरे जमाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को संज्ञान में लिया और संभव मदद का आश्वासन दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां एक बस और मैक्स की आपस में टक्कर हो गई और उस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। कल रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। तो वहीं भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम और सौहार्द के प्रतीक इस पर्व की रौनक बाजारों में दिख रही है। हर प्रमुख बाजार में राखियां बिक रही हैं, डिजाइनर राखियां भी कई तरह से बाजार में उपलब्ध हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां रक्षाबंधन के मौके पर बाजारों में खरीदारी जारी है। तो कल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। भाई बहन के इस पावन पर्व के मौके पर जहां बाजारों में भी राखियों की कई वैरायटीज आई हैं, तो इस बार बहनों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राखी का त्योहार है और बाजारों में अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है, प्रयागराज में भी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस तरह से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं? और ये बहुत अहम त्यौहार होता है। अगर बात की जाए इस रक्षाबंधन त्यौहार की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब पांडव तो सैयद मोहम्मद आमिर से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर बाजारों में अलग तरह की रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि कल यानी कि 19 अगस्त को राखी का पर्व मनाया जाना है और ऐसे में इस
त्योहार के मद्देनजर बाजारों में खासा भीड़भाड़ देखी जा रही है। लोग खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व जो कि भाई बहनों का पर्व माना जाता है, इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और इसी त्योहार के दिन भाई अपनी बहनों को उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं। तो रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर के बाजार भी खूब सज चुके हैं और खरीदारी लोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां राखियों की भरमार बाजार में देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह की राखियां इस बार बाजार में देखी जा रही हैं, कई तरह की वैरायटियां, बच्चों के लिए अलग तरह की राखियां खास। और साथ ही आपको बता दें कि रक्षा सूत्र जो कि प्रतीक है भाई बहन के त्योहार का। और एक बार फिर हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ चुके हैं। सैयद, जिस तरह से आप बाजार में मौजूद हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं और खासतौर पर लोगों में आज कितना उत्साह देख पा रहे हैं? देखिए, भाई बहन के लिए काफी ये महत्व रखता है त्योहार, और ऐसे में बाजार पहले से ही सजी हुई है, चाहे वो राखी की दुकान हो या फिर मिठाई की दुकान। भीड़ दिख रही है और लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि युद्ध में पांडवों को जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान कृष्ण ने राखी मनाने का त्योहार मनाने का भी सुझाव दिया था। और साथ ही जब अभिमन्यु युद्ध पे जा रहे थे तो यानी दादी यानी माँ रक्षा सूत्र बांध कर युद्ध पर भेजा था, तो द्रौपदी ने भी उनकी रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी। तो ये बहुत सारे इसमें मायने हैं जो इस त्योहार को काफी मजबूत करते हैं। और ऐसे में रक्षा बंधन पर हर बहने अपने भाइयों को राखी बांधती है, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है कि वे उनकी रक्षा करें। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए हर तरह की राखी है और यहाँ बहने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए यहाँ राखी खरीद रही है। फिलहाल हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये बताइए, आप लोग राखी यहाँ खरीदने आई है, कितना उत्साहित है? बहुत ज्यादा उत्साहित है, हम लंबा भी लेने आए हैं, लड़कों के लिए राखी भी लेने आए हैं और मेरी वो फ्रेंड्स भी आई, वो भाग रही है। यहाँ पर किस तरह से उत्साहित है और लोग खरीद रहे हैं भाइयों को राखी बांधने के लिए, यहाँ राखी खरीदी जा रही है। और राखी जो है इस बार काफी नए नए अंदाज में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की राखियां हैं, चाहे वो डोरेमोन हो या फिर यूनिकॉर्न हो, यानी बच्चों को भी आकर्षित करने वाली कई प्रकार की राखियां हैं। दुकानदारों से बातें भी बताई, इस बार राखी किस रेंज से किस रेंज तक की है, किस तरह की बिक्री हो रही है? नॉर्मल है, उसमें कोई ज्यादा कोई खास हो नहीं है। देखिए, प्रयागराज में बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद लोग सुबह से राखी खरीदने के लिए घर से निकल रहे हैं और बाजारों में राखी खरीद रहे हैं और पूरी तरह से लोग उत्साहित हैं। और रक्षाबंधन का त्योहार काफी भव्य तरीके से प्रयागराज में मनाया जाता है और साथ ही लोग यहाँ पर निकल रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने बताया भी कि हम बहुत उत्साहित हैं, खरीद रहे हैं और राखी यहाँ खरीदने का लगातार सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सैयद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज के भी बाजारों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां आज लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पेरिस ओलंपिक में शानदार खेल के प्रदर्शन के लिए लक्ष्य को बधाई भी दी। साथ ही उन्होंने लक्ष्य सेन को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लक्ष्य सेन से मुलाकात की। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों, पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट्स और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन, सुगम यात्रा सहित तमाम विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने अपने सुझाव दिए। तो वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी सुझावों पर विचार कर यात्रा का सकुशल संचालन किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना 65वां जन्मदिन मना रही हैं। तो वहीं सीएम धामी ने भी आज इस मौके पर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनकी जन्मदिन पर बधाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बाबा केदार से आपके सुयशपूर्ण सुदीर्घ एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ओजस्वी वक्ता, समाज सेवी और उत्तराखंड के गांधी के नाम से विख्यात स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी जी की पुण्यतिथि पर कोटिश नमन। हमारी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त और समृद्ध राज्य निर्माण के लिए अनिर्ष कार्य कर रही है। तो वही उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव कब होंगे इसे लेकर अभी भी समय बरकरार है। तो वही इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव होने हैं। कांग्रेस अब निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। तो वही वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव कराना तो सरकार के हाथों में है, लेकिन सरकार निकाय चुनाव कराने से डर रही है। नगर निकाय जो है उनके चुनाव तो सरकार की तरफ से ही होने, सरकार ही डिक्लेयर करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जितने भी पुराने वार्ड हैं और संभावित नए वार्ड हैं उसमें सब जगह हमारी टीमों का गठन हुआ है और बूथ लेवल तक हमारे लोगों की नियुक्तियां लगभग तय हैं। दो चार दिन में डिक्लेरेशन हो जाए। पूरी ताकत से पूरे जनता के मुद्दों को लेकर हम इस चुनाव में जाएंगे और जहां जहां आपदा से जनता पर मुसीबत पड़ी है या अन्य कारणों से, चाहे रोड हो, मेंटेनेंस हो, स्मार्ट सिटी का मुद्दा रहा हो, इस तरह के सारे ही मुद्दे जिनसे जनता को सुविधा के बजाय मुसीबत मिली है, परेशानियों में जनता है, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस इस बार अपनी जीत हासिल करेगी। दून पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में एसएसपी देहरादून के जरिए दिए गए निर्देशों पर थाना अध्यक्ष राजपुर पीडी भट्ट के नेतृत्व में चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि कोबरा गैंग का मुख्य पेडलर देहरादून में आयोजित होने वाली एक बड़ी पार्टी में दिल्ली से कोकीन की सप्लाई करने देहरादून आया है, जिस पर पुलिस टीम की ओर से की गई चेकिंग के दौरान धोरण पुल कैनाल रोड के पास से एक विदेशी नागरिक को 44.50 ग्राम अवैध कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना क्षेत्र में कुछ माह पूर्व से जो है हमारे यहाँ पर टीम लगी थी, जिसमें एक बात ये प्रकाश में आ रही थी कि एक गैंग है जो कोबरा गैंग नाम से फेमस है कोल्ड वर्ल्ड में, और इसके अलावा दिल्ली से इसमें कुछ फॉरेन नेशनल्स हैं जो यहाँ पर आकर समय समय पर डिलीवरी करते हैं। तो कुछ मापुर जो हमने बरामदगी भी करी थी, इसमें दो फॉरेन नेशनल भी पकड़े गए थे जिसमें युगांडा और नाइजीरिया के भी थे, और उनसे भी पूछताछ में एक जॉन नाम का व्यक्ति का पता चला था और उसके माध्यम से भी डिलीवरी देहरादून और आसपास के जनपदों में या राज्यों में भेजी जाती है, क्योंकि इसमें पहले भी कोकीन और इस तरह की एमएसडी जो हाई लेवल की प्रतिबंधित ड्रग्स हैं वो पकड़ी गई थी। तो लगातार टीम जब हमारी काम कर रही थी और इस पर जो है कल भी एक हमारा जो 15 अगस्त को देखते हुए लगातार चेकिंग अभियान भी चल रहा था, इसमें संदिग्धता के आधार पर जब चेक किया गया है तो फॉरेन नेशनल जो जॉन जो तंजानिया का निवासी है, जिससे 44 ग्राम के करीब जो है हमें कोकीन मिली है, जिसको आज वेरीफाई भी करके जो उसका वेरिफिकेशन होता है कि किस लेवल की है, ये क्वालिटी की कोकीन है, तो उसमें एनसीबी की टीम द्वारा भी इसको वेरीफाई कर दिया गया है। तो वही बैकुंठ धाम के परमाध्यक्ष स्वामी श्याम सुंदर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही उन्होंने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्याकांड मामले को लेकर ममता सरकार को फेल बताया। बांग्लादेश जिसको आजाद कराने में इस भारत वर्ष का हाथ था, वह बांग्लादेश भारत ने जब व्यापार बढ़ाया, जब भुखमरी बन रही थी, और वह बांग्लादेश आजादी के समय जब भुखमरी थी तो एस्कॉन का वर्ल्ड ट्रेड टेम्पल
जो कि विदेश से फैला के वहां के लोगों को विगत की जात बैठ के भोजन कराता रहा, आज उसी पर इन्होंने हमला करके उसको तोड़ा है। निसंदेह इससे संत लोगों को क्या पूरे विश्व को इसमें गिलानी होनी चाहिए और हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि इसका पश्चाताप करे और उसकी भरपाई करे। कलकत्ता में जो ये कार्य हुआ ये बहुत जघन्य कार्य है जो नहीं होना चाहिए, जिसका आक्रोश पूरे भारत उठ गया और कई कई हड़तालें भी होने लग गई हैं, डॉक्टर लोग भी हड़ताल में जाने लग गए हैं और इस तरह यदि इसको रोकथाम नहीं की गई निसंदेह कि भारत में आक्रोश चारों तरफ फैला और इसके व्याप पर जो धर्म के शिकारी हैं एक दूसरे के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। इस हिसाब से करनी है या तो उनको पकड़ा जाए और मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को पकड़ के चौराहे पे कत्लेआम करें, चौराहे पे उसको सजा दे, जो पता चले जेल जाने से कुछ नहीं होता। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।